जब मैं शादी करके इस विलेज पर आई तब मुझे यहाँ पर पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड हुआ उस वक्त मुझे यहाँ पैड नहीं मिला। मैंने दूसरे लड़की लोग को पूछा तो वो लोग को पैड का कुछ पता नहीं था, तो वो लोग कपड़ा यूज़ करती थी, तो मैंने भी अपना पुराना कपड़ा फाड़ के कपड़ा लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने 2-3 महीने तक वो कपड़ा यूज़ किया, तो तब तक मुझे ज़्यादा इरिटेशन होने लगा था और उस वक्त मुझे UTI भी हुआ था। हमारा करजी सिक्किम का एक वेस्ट सिक्किम का एक बहुत रिमोट विलेज है। यहाँ का नज़दीक का बाज़ार यहाँ इस विलेज से 3 से 4 घंटे लग जाता है। तो यहाँ पैट मिलने तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ का लड़की लोग को हमेशा कपड़ा ही पहनना पड़ता है। और उसके बाद जब मैंने मेरे दोस्त के थ्रू पिंकशिप फाउंडेशन को पता मिला मुझे, तो मैंने उन लोगों को कॉन्टेक्ट किया। तो वो लोग पिंकशिप फाउंडेशन हमारे यहाँ का लड़की लोग के लिए सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए। वो लोग हमें ट्रेन किया और हमें प्रत्येक महीना वो पैड भेजने लगे। कैसे पैड यूज़ करना है, कब चेंज करना है और कैसे हाइजीनिक रहना है, इस बारे में भी मैंने लड़की लोगों को प्रत्येक महीना अवेयरनेस देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। थोड़ा अभी लड़की लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में भी जानती है। जो पहले लड़की लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो थोड़ा थोड़ा करके जानने लगी है। अभी मैं पिंकशिप फाउंडेशन की वॉलंटियर्स हूँ। मैंने जो भी इस गांव के लिए काम किया तो वो लोग में चेंज आने लगा है। वो चेंज को देखकर मुझे बहुत खुशी मिला। पहले तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, रेसिस जो आते थे अब नहीं होता है। यहाँ के लोग को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने नहीं समझा था कि ये पैड ऐसा होता, ऐसा यूज़ करना पड़ता है और ऐसा करने से क्या होता है। ये घाम लग देना, खाली पानी पोस प्राय घाम लाग्दैन यहाँ, त्यसैले हामीलाई धेरै प्रब्लम हुन्थ्यो त्यो कपडा युज गर्नु, राम्रोसँग सुक्नु पाउँथिन, बहुत सरम हुँदा था। 6-6 घन्टामै प्याड चेन्ज गर्दा था, उसके बाद वास साफ सफाइ पनि गर्दा। अहिले चाहिँ हाम्रो सावित्री भाउजूले महिनै पछि प्याडहरू दिनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नि राम्रो, सबैजनालाई राम्रो हुँदैछ है। कतिले अब किनेर लाउनु सक्दैन है, अब तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो, यसरी तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, यतिमा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आसपासकै जितने भी गाउँ है, सारे गाउँकी लडकीहरूको ये जो भी सुविधा है वो मिले ऐसा मैं चाहती हूँ। I'm not afraid to die.
रहे, कब तक हम ये सोचते रहे, अब कब तक हम शर्माते रहेंगे, ये काम अब हमने शुरू नहीं किया, हम ही पीछे रहते रहने लगे तो कब ये समस्या समाधान होगी। गवर्नमेंट कब देंगे, कब करेंगे, इसी में लगे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी अपनी तरह से शुरू कर दें। इसीलिए मैंने ये पिंक्स फाउंडेशन में ज्वाइन किया और उसके साथ ही मैंने जो भी मैं सीखती गई वो दूसरों को बताने लग गई। मैंने जो काम शुरू किया इससे थोड़ा चेंज आ रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, इसे देखकर मुझे गर्व भी महसूस होता है। मेरे गांव का सारा लड़कियों को चेंज ला रहा है और काउंसलिंग दे रहा है, वो अपना फिजिकल कैसा सैनिटेशन हाइजीन रखना है, साफ सफाई का वो ध्यान रखना है, वो सब कुछ वो काउंसलिंग करता है जी। मुझे गर्व है, मैं खुशी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो क्यों ना हम सारे लड़कियाँ, सारे देश की लड़की जो गांव में रहती है, जो सभी आगे आए और इस मसले को, इस समस्या के समाधान करने में हाथ बटाए और इसी तरह से हम चेंज लाते रहे तो एक दिन हमारे देश में ज़रूर चेंज आएंगे। सावित्री और उन जैसी सैकड़ों महिलाओं ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन विषय से जुड़ी समस्याओं को हल करने की मशाल अब अपने हाथों में उठा ली है। ये सब पिंकिश फाउंडेशन की वॉलेंटियर्स बनकर अपने अपने स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं में चेतना, ज्ञान एवं सैनिटरी पैड्स का प्रयोग बढ़ा रहे हैं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी पिंकिश फाउंडेशन से जुड़कर इस मिशन में अपना सहयोग कर सकती हैं और एक चेंज लीडर बनकर गर्व हासिल कर सकती हैं। आप प्रज्वला बन सकती हैं। मैं एक बदलाव की ज्योति लेकर आगे बढ़ रही हूँ। मैं हूँ प्रज्वला।